नशे के साथ खेला जा रहा है जहर का खेल। सरकारी शराब दुकानें भी बेच रही हैं नकली शराब। झरिया बस्ता कोला में प्रिंट रेट से अधिक वसूली जा रही है कीमत। लाइसेंस प्राप्त शराब दुकानों में ओवर प्राइसिंग का खेल धड़ल्ले से जारी। कर्मी खुलेआम लाइसेंसी प्राप्त शराब दुकानों में बेच रहे हैं नकली शराब। मौन धारण किए हुए है उत्पाद विभाग। उत्पाद विभाग की सुस्ती से बढ़ा है दुकानदारों का मनोबल। जो है कि 370 रुपये का रेट है, वो जो 390 रुपये लिया जाता है। और जो वाइन शॉप में कभी भी कोई भी ब्रांड का कोई भी दारू लिया जाए, दारू वाला हर ब्रांड दारू से जो है कि 10-20 रुपये बढ़ा के ही लेता है। और जो है कि कभी भी दारू झरिया में सरकारी लाइसेंस प्राप्त तो शराब दुकानों में ओवर प्राइसिंग धड़ल्ले से जारी है, तो वहीं अब यहाँ नकली शराब भी धड़ल्ले से बेची जा रही है। बोरागढ़ ओपी अंतर्गत एक सरकारी शराब दुकान में ऐसा ही मामला सामने आया। वहां के कर्मी खुलेआम सरकारी लाइसेंस प्राप्त शराब दुकान से ही नकली शराब रखकर बेच रहे थे। इस मामले को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा गया, जमकर हंगामा हुआ और कर्मी के खिलाफ जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई। भुतगड़िया काली मंदिर के रहने वाले अजय कुमार सिंह ने बताया कि बोरागढ़ सरकारी विदेशी शराब दुकान से रॉयल चैलेंज का हाफ शराब लिया। देखने से ही लग रहा था कि नकली है, अब असली शराब के साथ नकली शराब भी बेखौफ होकर कर्मी बेच रहे हैं। उत्पाद विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से ऐसे लोगों का मनोबल काफी बढ़ गया है, जिसकी सूचना बोरागढ़ ओपी और आबकारी विभाग को दी गई है। सूचना पाकर उत्पाद विभाग के आबकारी जॉय हेम्ब्रम पहुंचे और शराब दुकान में जाँच की। जॉय हेम्ब्रम ने नकली शराब बोतल जब्त कर अपने साथ जाँच के लिए ले गए। कहा कि जाँच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सरकारी लाइसेंस प्राप्त शराब दुकानों से जबरन ग्राहकों से प्रिंट रेट से अधिक वसूला जा रहा है। कई बार सूचना मिली है और सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। अगर कोई शराब दुकान प्रिंट रेट से अधिक पैसा वसूल रहा था तो शिकायत करें, कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो हर रोज झरिया में बस्ता कोला सरकारी लाइसेंस प्राप्त शराब दुकान में जबरन ग्राहकों से 10 से 2 रुपए तक अधिक वसूली की जा रही है। बियर के प्रति बोतल पर 10 रुपए, वहीं विस्की के क्वार्टर पर 10, हाफ पर 20 और फुल पर 40 रुपए प्रिंट रेट से अधिक वसूला जा रहा है। सरकारी लाइसेंस प्राप्त शराब दुकानों पर कार्यरत कर्मी जबरन ग्राहकों के से पैसे वसूल रहे हैं। हम लोग बोरागढ़ वाइन शॉप में आज दारू लेने के लिए गए थे, तो दारू जो है कि 370 रुपये का रेट है, वो जो 390 रुपये लिया जाता है। और जो वाइन शॉप में कभी भी कोई भी ब्रांड का कोई भी दारू लिया जाए, दारू वाला हर ब्रांड दारू से जो है कि 10-20 रुपये बढ़ा के ही लेता है। और जो है कि कभी भी दारू हम लोग लेने गए हैं तो दारू आज के डेट में अजय सिंह का नाम लड़का है, वो हम लोग को बताया कि दारू लेकर के आए और दारू जो है कि हम लोग को डुप्लीकेट दारू दिया गया। तो हम वाइन शॉप गए थे तो हम लोग एक एक पैक किए तो दारू पूरा कड़वा लगा और हम लोग पेट में पूरा जलन होने लगा। तो इसे समझ में आया कि ये दारू अच्छा नहीं है। तो हम लोग आ करके ओपी को और मैंने एक्साइज वाला को रिपोर्ट किए कि मेरा पेट में बहुत जलन हो रहा है, दारू पीने से तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग को साथ में पहला बार हुआ है। और हम लोग दारू लेकर के कहीं बाहर नहीं पीते, हम लोग घर में ही जाके पीते हैं। दारू डी निकला? हाँ, दारू डी निकला। वाइन शॉप से दारू? वाइन शॉप से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कन्हे सिंह है, सुरेंद्र कॉलोनी बोरागढ़ का मेरा नाम। हम भुतगड़िया काली मंदिर के पास रहते हैं। शाम को 6:15 बजे हम दारू दुकान में, सरकारी जो दारू दुकान है बोरागढ़ में, वहाँ दारू लेने गए। उसे आरसी का हाफ लिए, उसको 500 का नोट दिए, वो हमको 110 रुपया दिया जिससे कीमत 390 हो, तो हमसे 20 रुपया ज़्यादा भी लिया। तो हम दारू लेकर अपना घर चल गए। घर गए तो वहाँ देख रहे कि डुप्लीकेट दारू है। इसको लेकर आए तो बोला कि नहीं, मेरा दारू डुप्लीकेट नहीं है। तो वहाँ का आम पब्लिक जुटे और देखे कि डुप्लीकेट दारू ही बिक रहा है। उस वक्त क्या? उसके बाद हम लोग आए अपना थाना में रिपोर्ट किए। उसके बाद थाना अपना जाने को बुलाया, थाने वाले एक्साइज टीम को बुलाया है। क्या नाम आपका? अजय कुमार से बोला ना। जो दारू सब प्रिंट रेट कितना है? उसका प्रिंट रेट 390 रुपया, 370 है और 390 लिया। हाँ, 20 रुपये ज़्यादा भी लेता है, डुप्लीकेट दारू भी लेता है। अजय कुमार सिंह, भुतगड़िया काली मंदिर।
है, बिना जांच के कैसे कंप्लेंट कर? चलिए जांच ही करने जा रहे हैं। खुला बोतल हम लोग को मिला है ना, खुला बोतल मिला है, जा रहे हैं सेम बैच का मिलाएंगे दुकान में। और एक और प्रिंट है, हर दुकान में ओवर प्रिंट लिया जा रहा है, जो बोला जाता ऊपर नीचे। शिकायत हम लोग को भी मिलता है, लेकिन जब कार्रवाई सर कार्रवाई तब बहुत बार हुआ है सर। आपके ऑफिस से यहाँ कलेक्शन के लिए, आपके ऑफिस से कलेक्शन के लिए कमीशन के लिए? नहीं, ऑफिस से सवाल ही पैदा नहीं। जितेंद्र महतो कौन है? ऑफिस का कोई नहीं। जितेंद्र महतो कौन है सर? हमारे पास लेटर है जो ऑथराइज किया। हम लोग यहाँ कोई नहीं है, हम लोग का स्टाफ नहीं है। एजेंसी का स्टाफ है? एजेंसी को हो सकता है सर। बस्ता कोला डिगवाडी पाटली हर वाइन शॉप में ओवर प्रिंट लिया जा रहा है। बस्ता कोला में मिला है एक बार, हम लोग कम से कम झरिया में हम कम से कम 3 से 4 आदमी को जेल भेज चुके। बस्ता कोला सर, बस्ता कोला पूरा ठोस कार्रवाई क्यों नहीं किया था? जो जेल भेज थे उससे बढ़िया क्या ठोस होगा सर? ठोस होने के बाद भी तो ओवर प्रिंट लिया जा रहा है, इस पर कानून सर कैसे कर? हम यहाँ से चले जाएंगे, आप हमारे बारे में कुछ और छाप दीजिएगा तो हम इसका जिम्मेदार नहीं लोगे। हम दुकान आते हैं, चेक करते हैं, या कोई ग्राहक लेकर निकलता है, जैसे दिन निकलता है तो सेटिंग। लेकिन आपका प्रिंट भी तो है कि 6-6 महीने से आपका पेमेंट भी बाकी है। बोलने के लिए आदमी किसी को भी गरिया देगा उसे आप नहीं की जाए तो मैं किसका फैसला कर दूंगा? प्रधानमंत्री जरूर हटा देगा डुप्लीकेट वाला, और वीडियो बना के तो दे देंगे, लेकिन जो अपने आधार का डुप्लीकेट मार रख ले कैसे पता चलेगा? अभी ना जांच होगा तो इसे प्राइसवर में खेला कर देगा। वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, करिए करिए इसका दुकान।